नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनील दास और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी शार्प वेवफॉर्म में हम लिस्ट बॉक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपने विजुअल स्टूडियो यानी सी शार्प वेवफॉर्म में एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स। तो आप मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्म है और ये बिल्कुल शुरुआत से बनाऊंगा मैं। तो पहले मैं क्या करूंगा कि अपने फॉर्म को थोड़ा रिसाइज कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, अपने टूल बॉक्स से एक लिस्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, मतलब उसे माउस से क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो आपको कुछ एक स्क्वायर टाइप का कुछ या रेक्टेंगल जैसा आपको एक शेप दिखेगा, तो आप इसे भी रिसाइज कर दें। और अब आप क्या करें कि अपने टूल बॉक्स पे जाएं और एक बटन को सर्च करें। तो बटन को सर्च करते ही आपको ये सब मिल जाएगा। तो हम इस बटन का यूज़ इसलिए करेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इस बटन में जाके हम लोग क्या करेंगे, क्लियर लिख देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट बॉक्स पे जाएं और इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही आपको प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करते ही मिलेंगी। तो अब क्या करना है कि आइटम्स, ये जो आइटम्स कलेक्शन दिख रहा है आपको, ये थ्री थ्री डॉट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक स्ट्रिंग एडिटर दिखेगा। तो आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूँगा ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इससे आप कोई मतलब नहीं। फिर ओके कर दें तो आपको ये आपके लिस्ट में दिखाई देगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस बटन को डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही ये मुझे एक क्लिक इवेंट पे ले जाएगा। इस क्लिक इवेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे ट्रायंगल से बटन दबा के। तो जब तक ये प्रोग्राम रन होता है, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग वीडियोस ला सकूँ आपके लिए और भी बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस भी ला सकूँ आपके लिए। तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं। ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और ये आपका प्रोग्राम खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह, और फिर मैं जैसे क्लियर दबाऊंगा तो आपका पूरा लिस्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं कि इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, बड़ा छोटा सा लग रहा है, तो हम इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट पे ये थ्री डॉट मिलेंगे, उस पर क्लिक करते ही आपका फॉन्ट डायलॉग आ जाएगा, जिसमें से आप अपना उसका फॉन्ट चुन सकते हैं। तो फॉन्ट डायलॉग थोड़ा सा लेट खुलता है क्योंकि इसमें आपके विंडोज़ के सारे फॉन्ट्स खुलते हैं, दिखाता है। तो अब हम इसके साइज़ बढ़ा देंगे, ओके कर देंगे, फिर उसके बाद सेव कर देंगे अपना कंट्रोल एस दबा के और ये ट्रायंगल बटन को दबाएंगे। तो आपका यहाँ खुल गया। अब देख सकते हैं कि मैं एक एक सिलेक्ट कर सकता हूँ बड़ी बड़े आराम से। तो इसी तरह हम लोग एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी हम रिमूव कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके लिस्ट बॉक्स के, इसके इवेंट्स में। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिलेक्टेड इवेंट इंडेक्स चेंज, तो इसकी मदद से भी आप इसको एक एक को रिमूव कर सकते हैं या फिर आप दिखा सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स यूज़ हुआ है, जैसे कि हमने कॉम्बो बॉक्स में यूज़ किया था। तो ठीक, इसके अगले ही ट्यूटोरियल में हम इसका थोड़ा एक्सट्रीम पार्ट यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको एक नीचे छोटा सा रेड रंग का बटन दिखाई देगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसे क्लिक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस चैनल पे आपको हमेशा एक हर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी, टेक से रिलेटेड या कोई भी क्रैक या हैक से कुछ कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी। सो अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है सी शार्प, सी प्लस प्लस, पी एच पी और एच टी एम एल से रिलेटेड, तो आप इन सब लिस्ट में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम में हेल्प कर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मनी नहीं। आपको एक वीडियो बना के बस यूट्यूब में वीडियो बना के ऐड कर दूंगा और आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।